और उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के मदरसों की जांच कराने के बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि मदरसों को लेकर समय समय पर तमाम तरीके की बातें सामने आती रहती हैं। अब ऐसे में जांच होना आवश्यक है ताकि सच सामने आ सके। बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी तेजी से मदरसों की जाँच के साथ साथ अवैध मदरसों को ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए, बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेके तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो पाए। और ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है, क्या कुछ और मुख्यमंत्री ने कहा है, विस्तार से बताइए जरा। देखिए, अवैध मदरसों को लेके जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। खासतौर पे अगर देखा जाए उत्तराखंड के अंदर भी जिस तरीके से समय समय पे ऐसे मदरसों को लेके कई तरह की जो बातें सामने आ रही है, इस बात को लेके सरकार गंभीर है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकारा है कि मदरसों में कई जो गतिविधियां हैं, कई अवैध तरह की गतिविधियां हैं वो होती रहती हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो शिकायतें आती हैं उसका संज्ञान लिया जाएगा। जो बोर्ड बनाए गए हैं मदरसों पे ध्यान रखने के लिए, उस बोर्ड की तरफ से भी इस बात का संज्ञान लिया गया है। और हम देखें पिरान कलियर को लेकर जिस तरीके से सद्दाम संत का बयान रहा, सद्दाम संत ने कई तरीके के जो आरोप है वो पिरान कलियर क्षेत्र में लगाए हैं कि वहां पे किस तरीके के कहीं ना कहीं कई तरीके के अवैध धंधे चल रहे हैं और पनप रहे हैं। साफ तौर पर सरकार इस बात को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसका संज्ञान लिया जा रहा है और पूरे प्रदेश भर में जिस तरीके से जितने भी जो मदरसे हैं उनमें अभियान चलाया जाएगा और जो भी अवैध मदरसा पाया गया, किसी प्रकार की गतिविधियां पाई गई, तो उस पर बुलडोजर चलना तय है। यानी कि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो धामी सरकार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के ही तर्ज पे, जिस तरीके से योगी सरकार बुलडोजर चला रही है ऐसे अवैध निर्माणों पे, वही कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी होता हुआ नजर आने वाला। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री के बयान से यही संकेत मिल रहे हैं ज्ञानेंद्र, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो जो अवैध रूप से मदरसे चलाए जा रहे हैं, मान्यता प्राप्त जिनको नहीं है उन पर फिर कार्रवाई की बात कही जा रही है। इंक्वायरी हालांकि अब ली जा रही है क्योंकि जगह जगह जाया जा रहा है, मदरसों की जानकारी जुटाई जा रही है। एक हफ्ते का समय दिया गया है जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपने का, ऐसा ही कुछ हम उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकता है हमें। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने इस बात का संज्ञान लिया है और खुद मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि शिकायतें आती रहती हैं और इसका संज्ञान लिया जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें समय समय पे ऐसे सोशल मीडिया पे जो वीडियोज वायरल होते रहते हैं, ऐसे अतिक्रमण धर्म के नाम पे ऐसे और मदरसों का कहीं ना कहीं अवैध तरीके से संचालन किया जा रहा है, तो इसका संज्ञान जो है खुद ही जिस तरीके से सदाब संत ने भी लिया है, मुख्यमंत्री भी ने भी लिया है और जिस तरीके से इसमें कार्रवाई की बात की जा रही है और एक अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत उसका सत्यापन किया जाएगा। यानी कि मदरसों का सत्यापन होगा कि जो मदरसे उत्तराखंड के अंदर हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं और उनका संचालन किस प्रकार से होता है। क्योंकि अगर हम देखें सदाब संत ने कहा था कि पिरान कलियर में कई तरह की जो गतिविधियां हैं, गलत तरह की गतिविधियां हैं वो होती हैं, इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे और आने वाले एक दो दिन के अंदर ही इनके खिलाफ जो अभियान है वो चलाए जाएंगे, जो कि मुख्यमंत्री के बयान आने के बाद ये साफ हो गया है। ठीक है, यानी कि अभियान के बाद जांच की बात मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि अभियान कब तक शुरू हो पाता है और कब तक इस तरीके की जांच हम देख पाते हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।